आगे जहां चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि 27 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक बुलाने के पीछे चुनाव आयोग का क्या उद्देश्य है और बैठक का क्या एजेंडा होगा, इसके बारे में मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, इस बैठक के पीछे क्या उद्देश्य है, इस समय मेरे साथ हैं मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल। इनसे जानते हैं कि बैठक के पीछे क्या उद्देश्य है। जी, ये बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम 27 अक्टूबर से शुरू होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, उनको हम मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी देंगे कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम 27 अक्टूबर को पब्लिश करेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी कॉपी हम देंगे। और उसके बाद में ये एक कदम है बहुत इम्पोर्टेंट। कमीशन हर कदम पर ये कहता है कि आप जो भी काम करती हैं चुनाव के बारे में उसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए, पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए। तो आज की तारीख में 27 अक्टूबर को जो मतदाता सूचियाँ होंगी उनकी प्रति हर पॉलिटिकल पार्टी को हम देंगे। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DEOs या DCs हर मतदाता सूची की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल की रोल की एक पूरी कॉपी हर जिले में भी देंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी को देंगे और CEO की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे उद्देश्य है कि मतदाता सूची ही अच्छे चुनाव का आधार है। पॉलिटिकल पार्टीज एडवांस में देख लें इन मतदाता सूचियों को, हर मतदाता के नाम को देख लें, पोलिंग स्टेशन के नाम को देख लें और इसके बाद 9 दिसंबर तक, मतलब 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। कोई मतदाता नहीं हो जिंदा, कोई मतदाता शिफ्ट कर गया हो या कोई नया मतदाता उम्र 18 वर्ष की आयु पार कर गया हो तो उनके सबके वोट जोड़ने के लिए ये बहुत ही, जैसे बहुत ही पर्व का समय है जब हर मतदाता अपना नाम चेक कर सकता है और उसमें जुड़ना है, कोई सुधार करना है, कोई डिलीशन करना है तो वो कर सकते हैं ताकि हमारी मतदाता सूची बहुत करेक्ट हो और गलती ना हो उसमें। अग्रवाल साहब, क्या ये सारा प्रोसेस लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा? हाँ, ये पूरा प्रोसेस जो 9 दिसंबर तक फॉर्म आएंगे उसके बाद जो SDMs हैं या ADCs हैं, जो भी ROs हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो EROs भी हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी हैं, जितने फॉर्म आएंगे उनका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद उनका डिस्पोजल होगा और उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल 5 जनवरी को पब्लिश हो जाएगी। सो चुनाव से पहले फाइनल इलेक्टोरल रोल विल बी पब्लिश्ड। अग्रवाल साहब, युवाओं और महिलाओं के लिए भी चुनाव आयोग ने कुछ किया है? हाँ, विशेष रूप से हरियाणा में क्योंकि युवा मतदाता उतनी संख्या में
जितनी उनकी आबादी है जो 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और वो उनका वोट नहीं बना है, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि अपना वोट तुरंत बनवाएं। और ये वोट बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, ऑनलाइन जाकर भी कर सकते हैं, BLO से संपर्क करके भी कर सकते हैं। BLO हर बूथ का BLO कौन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उनसे बात कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। और एक बार, ये आपका पुनीत कर्तव्य है, क्योंकि ये एक गाना है, कमीशन ने निकाला है कि मैं भारत हूँ और हम भारत के मतदाता हैं। मतलब मतदाताओं से ही देश बनता है, मतदाता ही देश का निर्धारण करते हैं, भविष्य का निर्धारण करते हैं, रास्ता बताते हैं। तो अगर युवा वर्ग ही वोट नहीं बनाएगा या महिला वर्ग भी अपना वोट नहीं बनाएगा, तो मतदाता सूची अधूरी है। इसलिए हमने एक विशेष पुरस्कार योजना लॉन्च की है कि 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच में जितने भी युवा मतदाता फॉर्म भरेंगे नया वोटर बनने का, या जितनी भी महिला मतदाता फॉर्म भरेंगी, उनको हम 3 लैपटॉप्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट और 2 स्मार्टफोन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट और 100 पेन ड्राइव्स उनको हम पुरस्कार देंगे। तो ये तो वही बात है कि जो काम आपका कर्तव्य है, जो आपको करना ही है, वो काम थोड़ा अधिक स्वीट हो गया, बिकॉज ड्रॉ ऑफ लॉट से हम इस प्रकार से इनाम देंगे और जनवरी के महीने में ही इनाम देंगे। ये थे मेरे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल। इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियां पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।